हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम डिस्कस एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड चैप्टर ऑफ द सेकंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ द अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, लास्ट लेक्चर आर कंप्लीटेड ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। टुडे आई एम डिस्कस ऑफ द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड okay, the organic compounds also with the functional group containing of C O bond, yani carbon oxygen double bond attachments, like the carbonyl group. This is the carbonyl group. These contain important functional group known as carbonyl group. They mostly are biological importance of the aldehyde, ketone and carboxylic acid for the spread of plants and animal kingdom and play on important role of the biological function. The aldehyde group are CHO group. The presence of the carbonyl group like this structure C double bond OH, it is called aldehyde, and functional group of the CH group, and ketonic, ketones are C carbonyl group presents at the two alkyl group attachment, same alkyl group or other alkyl group. Same alkyl group are simple ketone, and other alkyl groups are the two alkyl groups of the other alkyl group. It are the mixed ether. And carboxylic also presence of the ketonic group, carboxylic group and presence of the carbonyl group like RCOH. It is the carboxylic. Carboxylic group. The general formula of the alkyl group of the same or alkyl group are attached ketone aldehyde. The functional group of the aldehyde, functional group CHO. The functional group of the ketone, the functional group of the carboxylic. Aldehyde group, ketonic group and carboxylic group. Aldehyde group called alkanols, alkanols and carboxylic acid or alkanoic acid, because R is the alkane, so it is the alkanol, alkonic acid and sorry last me alkonic acid and alkanone. It's the suffix al, alcohol mein al, इसमें अल, और आप देखेंगे कीटोन में एल्केनोएक्स लिखा जाता है, ठीक है। जाइए जैसे जनरल नेम में एथिल मेथिल कीटोन, तो यहां पर सफिक्स क्यों हो जाता है, क्या हो जाता है ओन, और इसमें हो जाता है ओइक एसिड, ये आपका सफिक्स हो जाता है। इफ द एल्के ग्रुप अटैचमेंट ऑफ द वन कार्बन एट द मेथेनॉल, इसमें टू कार्बन एटम अटैचमेंट रहेगा मेथ एट प्रोप, तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द ऑल्केसी नेम ऑफ द प्रोप प्रोपेनोन, और वन कार्बन एटम अटैच ऑफ द टू और टू ग्रुप टू कार्बन अटैच एथनोइक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रेजेंट इन द
कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, इंट्रोडक्शन में हम इतना कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सी यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड ग्रुप रिप्रेजेंटेड ऑफ द सीएचओ ग्रुप, कीटोन रिप्रेजेंटेड आर फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सीओ ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑफ द सीओएच ग्रुप। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द सफिक्स ऑफ एड ऑफ द एल्डिहाइड अल कीटोन ओन एंड कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड। ओके स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर डेरिवेटेड आर फर्दर डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप लाइक एसिड डेरिवेशन। दिस इज एसिड डेरिवेशन बेटा, जिसको बात करना है आप लोग म्यूट हो जाया करिए, इसमें जुड़े हुए घर की बात या पर्सनल बात मत करा करिए। एसिड डेरिवेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट इन द कार्बोनिल ग्रुप, इट इज कॉल्ड द एसिड डेरिवेशन ग्रुप। नंबर वन एसिल हैलाइड रिप्रेजेंटेड ऑफ आर सी ओ एक्स, आर सी ओ एक्स आर इज द एल्किल ग्रुप, एक्स इज द हैलाइड ग्रुप। द नेम ऑफ द एसिल हैलाइड ग्रुप। ओके, नंबर बी एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड आर रिप्रेजेंट टू कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस ऑफ द सिंगल ऑक्सीजन लाइक दिस। RCO का होल ट्वाइस O, डॉट इन स्ट्रक्चर RCOO COR, इट इज कॉल्ड द एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। नंबर थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द एसिड डेरिवेटिव एस्टर, एस्टर आर रिप्रेजेंट्स आर सी ओ ओ आर, कार्बोनिल ग्रुप आल्सो प्रेजेंट कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप टू कार्बोनिल ग्रुप। एंड लास्ट डेरिवेटिव ऑफ द एसिड एसिड अमाइड also represents R C O N H 2, the derivative of the acid derivative acyl halides, acetic anhydride, ester and acetamide, presence of the carbonyl group and carbonyl group। ये सारे एसिड डेरिवेटिव हैं, इनका भी आईयूपीएसी नेम, इनका भी सफिक्स
सबको आपको कंप्लीट करना है। इनका एक डेरिवेटिव भी आपको पढ़ना है, जिसमें एल्किल ग्रुप की जगह पर कोई भी आ सकता है, मेथिल एथिल प्रोपिल एथिल। जनरली आपके सिलेबस में एथिल अटैचमेंट्स आपके कंपाउंड से आए तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, देखिए सबका नॉमेनक्लेचर आपको पहले जनरल, उसके बाद उसका आईयूपीएसी ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, ये तो चैप्टर का नाम दिया है, और ये तीन फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपके अटैचमेंट है कार्बोनिल ग्रुप से, बट ये चारों एसिड डेरिवेटिव हैं। शॉर्ट नोट्स भी आपको आ सकता है कि व्हाट इज द एसिड डेरिवेटिव, तो आप बताएं कि व्हेन कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट्स आफ द एल्किल ग्रुप एंड अदर ग्रुप्स लाइक हैलाइड्स एमाइड एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड द एसिड डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल एसिल हैलाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एसिड अमाइड। वन फंक्शनल ग्रुप या वन कंपोनेंट्स को आपको पूरा कंप्लीट करना है, जिसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। रिड्यूस सिलेबस के अनुसार सारी नोट्स कंप्लीट करना है, बाकी सारे नेमिंग रिएक्शन एक साथ पढ़ना है। आप देखेंगे तो आपको रिड्यूस सिलेबस हमने भेज भी दिया था, रिड्यूस सिलेबस में सभी लोगों के पास ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत से 30% कम से कम काट दिया गया है, तो उसको आपको ध्यान देना है। एल्डिहाइड और कीटोनी में नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मेथड प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है। तो लेट्स स्टार्ट। ए नंबर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आपका लिखा हुआ है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को सबसे पहले पढ़ना है दोनों के साथ, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, पहले बात किसी भी कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। बोथ कंपाउंड विच कंटेन आर द कार्बोनिल ग्रुप, ये दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन में, बट वन एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द कार्बोनिल ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, and two alkyl group present of the carbonyl group, it is like the ketone. Ketone are further divided two types, number one simple ketone and mixed ketone, ya complex bhi bol sakte hain isko, mixed ketone, okay. Simple ketones are generally same alkyl group, like the same alkyl group are present in the carbonyl group, simple ketone, and one alkyl group and both are another alkyl groups are the attachments of the carbonyl group, like mixed ketone, the general name of the methyl dimethyl ketone, एथिल मेथिल कीटोन, आईयूपीएसी 1, 2, 3, तीन कार्बन है, तो प्रोपेनोन 1, 2, 3, 4 प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन 1, 2, 3, 4 तो ब्यूटेनोन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इज द एल्डिहाइड ग्रुप CH3CHO, टू कार्बन प्रेजेंट, द जनरल नेम ऑफ द मेथिल एल्डिहाइड and IUPAC name of the two carbon present in the two carbon like ethane, e replace करेगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा ethanol, okay, alcohol में हो या इसमें हाल, ये हो जाएगा ethanol। Aldehyde and ketones की preparation एक साथ पढ़नी है हमको, क्योंकि दोनों में ज़्यादा difference नहीं है, इसका practical भी बहुत important है, इस practical में इसको हम अलग-अलग कर देंगे कहाँ पर aldehyde है और कहाँ पर ketone है। ओके स्टूडेंट्स, जनरल नेम आप देख सकते हैं, इसका जनरल नेम एंड आईयूपीएसी नेम, तो जनरल नेम में
IUPAC. The general name of 2-carbon, it is methylaldehyde. Methylaldehyde. And IUPAC name, 2-carbon are present. Ethane, it replaced ethanol. Ketone, the general name of dimethyl ketone, 3-carbon present. So it is 1, 2, 3 propanone, 1, 2, 3, 4 butanone. और एग्जाम्पल आप कर सकते हैं और आईयूपीएसी फॉर्म करके आप दोनों तरीके से देख सकते हैं. आईयूपीएसी बहुत अच्छे से इसको आपको देख लेना है. यहाँ बैलेंसी आप चेक कर लेंगे हाइड्रोजन की. ओके, 1, 2, 3, 4 फोर कार्बन है तो जनरल में क्या हो जाएगा, प्रोपिलएल्डिहाइड. एक बात ध्यान रखना कि जनरल नेम में प्रोपिलएल्डिहाइड, नहीं तो आप ब्यूटेनिलएल्डिहाइड लिख दो. मेथ एथ प्रोपिलएल्डिहाइड और आईयूपीएसी करेंगे आप तो 1, 2, 3, 4 यहां से नंबरिंग कर देंगे. अभी इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, भाई कल इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ब्यूट. ओके, ब्यूटेन है, ब्यूटेन से ई रिप्लेस करेंगे, अल लग जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा. सेम कंडीशन में इधर आप अलग ले सकते हैं कोई भी डेरिवेटिव्स का, कीटोन का CH3 CH2 C11O CH2 CH3. मेथ प्रोब्यूटेंट, जनरल नेम में एथिल जुड़ा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, डाई एथिल कीटोन. डाई एथिल कीटोन, ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल नेम हो जाएगा. और इसी का जब आईयूपीएसी करेंगे आईयूपीएसी तो आईयूपीएसी में काउंट होगा बेटा 1, 2, 3, 4, 5 फाइव है तो 5 का होता है पेंट, पेंटेनोन. जैसे पेंटेन होता है देखिए, ई रिप्लेस हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, ओन. तो पेंटेनोन, 5 कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इट इज कॉल्ड द पेंटेनोन. और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, इसमें भी दिया है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा. सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल है या डेरिवेटिव है. जनरल लाइक दिस, अगर स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म कर देता है CH3 CH2 देखिए, तो आपको ये ध्यान देना है कि कीटोनिक नहीं है, ये ऐसी डेरिवेटिव है जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ. ओके, आप देखिए यहाँ पर ये है, इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो RCO का होल ट्वाइस O. अगर ये कहीं दिखाई दे RCO का होल ट्वाइस O, तो इसका मतलब ये एसिटिक एनहाइड्राइड है. एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड. पहले तुरंत हम इसको देख लेंगे, ये CO, ये R है, R का मतलब एल्किल, मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है. तो ये ध्यान से देख लीजिए, अगर ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे रहे तब भी, और अगर ध्यान से देखिए कभी कभी स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद ऐसे कर देता है C11O, ये
ओके स्टूडेंट, ये दोनों एनहाइड्राइड है बिकॉज द आर सीओ, आर जगह पर ये लग गया है, सीओ दोनों में कॉमन है और एक ही ऑक्सीजन बाहर हो गया. ओके, ये टू एसिड, टू कार्बोक्सिलिक एसिड से जैसे हाइड्रोजन सॉरी H2O रिमूव हो जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म होता है. इसकी प्रिपरेशन जब आएंगे तो हम बता देंगे. देखिए R R 2 मोल ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड और देन रिड्यूस ऑफ द H2O, यहां से H2O रिमूव हो जाता है. अब बचा क्या, देखिए R CO दोनों में कॉमन है, ये R इसको हम बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, R CO इसमें भी है, R CO ये है और एक ऑक्सीजन कॉमन है, ये हो जाता है. यही होता है, एसिड से फॉर्म हुआ है इसलिए एसिटिक एनहाइड्राइड. इसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि एसिड एमाइड है, एसिड एसिटामाइड है. एसिड एमाइड को एसिटामाइड बोलते हैं, एस्टर है, एस्टर हो तक देखिए यहाँ तक सेम ग्रुप आएगा एस्टर, और इसी के बाद यदि ये हट जाता है आपका और यहाँ से ये हट के यहीं पर मैथिल ग्रुप ऐड हो जाता है. ये देखिए CH3, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ये तो इज लाइक एज द स्ट्रक्चर एस्टर, आर सी ओ ओ आर, आर सी ओ ओ आर, आर यहाँ पर, यहाँ पर मैथिल है. तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो ये कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड कंपाउंड्स हैं, इसमें जो डेरिवेटिव है वो कौन से हैं, कैसे हैं. इसको स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से दिया रहेगा, उसको आपको चेंज कर लेना है. चेंज करने के बाद आपको देखना है कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल के साथ कौन सा अटैचमेंट है. अटैच वेरीफाई करने के बाद आप उसका रिएक्शन एंड IUPAC जनरल नेम देंगे, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. देखिए स्ट्रक्चर सेम बन रहा था, अभी तक क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड था, अभी क्या बन गया, ये एस्टर बन गया. ये भी है डेरिवेटिव भी. अगर इसी में से अब ये स्ट्रक्चर हटा देते हैं और यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप अटैचमेंट करके NH2 कर देते हैं, कभी कभी बॉन्ड लग जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में. अब ये देखिए क्या हो गया, एसिटामाइड हो गया, एसिटामाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें रिमूव हो जाता है एसिटिक एसिड से और NH2 ग्रुप आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये एसिटामाइड हो गया, एसिटामाइड. अगर यही डेरिवेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, यही कार्बोनिल में एक्स ग्रुप लग जाता है और क्लोरो ग्रुप लग जाता है तो क्या हो जाएगा, एसिल क्लोराइड ब्रोमिन लग जाता है, एसिल ब्रोमाइड. तो डेरिवेटिव्स का हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बहुत अच्छे से आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जितने भी IUPAC नॉमेनक्लेचर है इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट IUPAC जब दिया जाए तो वो आप अच्छे से कर लें. कुछ जनरल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसको आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड जनरल नेम कंप्लीट करना है, फिर बाकी कल मैं IUPAC एल्डिहाइड एंड कीटोन को ब्रीफली बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि टाइम आउट हो जाएगा 5 मिनट बाद. आप इसको ध्यान से लिख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट IUPAC है, सबका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है आपको. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सिक्स एग्जाम्पल हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और देख लीजिएगा, क्योंकि 11th में भी IUPAC नॉमेनक्लेचर कुछ पढ़ चुके हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए.
और इसमें जो कार्बोएनायन सब बनते हैं इसको अलग, ये हाइड्रोजन आप अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन की और कोई बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, द सम इंपॉर्टेंट, यस, आप केवल इसका आईपीएसी नेम कंप्लीट करिए देख के अपने बुक से या कहीं से भी जो थोड़ा समय बताया हूं, और बाकी इसको मैं कल इसको डे आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें कई में एक्सेप्शन भी बहुत हैं और ये जनरल पूछे भी बहुत जाते हैं कैसे इसमें प्रॉब्लम, कहां से हम करें, कार्बन कैसे करें, अगर तीनों में हाइड्रोजन तीनों में फंक्शनल ग्रुप सेम लगा हुआ तो नंबरिंग कहां से करें, इसके बारे में बहुत अच्छे से कल हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मगर ये आप अपना करके अभी इसको पहली बार तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ये, और उसके बाद इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर या जनरल नेम दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा। और नोट्स की रही बात एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, नोट्स मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा हूं, उसका पीडीएफ बना के दो पार्ट में भेज दूंगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन का अलग और कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग। यदि और बच्चे अपना किसी भी उससे बना ली बना रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपके रिड्यूस सिलेबस में है वो होना चाहिए बस। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स आप सब लोग कर लीजिएगा एंड टुमारो डिस्कस ऑफ द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप।